तुम सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ठीक लग रहा हूँ मैं पन। तो चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। मौसम की बात किया तो मौसम पूरा साफ और बाकी सूर्य देव तो भाई साहब आग के गोले बरसा रहे हैं। और बाकी कल विनीत भाई चले गए थे अपने घर, उनके बिना तो भाई साहब जो हमें कमरे में था ना, एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया था। और जी आए तो ड्यूटी चले गए और बाकी पिताजी अंदर बैठ रखे हैं। और हेमंत भाई की भी आज छुट्टी है, यानी कि उनकी जो जॉब है वो नाइट जॉब है। आज वो रात को जाएंगे जॉब में, दिन में आराम करेंगे। अभी तो हेमंत भाई दाढ़ी बनाने जा रखे हैं, तो उसके बाद नहाएंगे और फिर अभी पिताजी को लेके जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि आज पिताजी का फाइनल चेकअप होना है। तो ठीक सामने जो बेलपत्र का पेड़ है उसके तने पे देखिए ये जो गोल गोल है, एक दिन जब मेरी पहली बार इस पे नजर पड़ी मैं एकदम डर गया था ये क्या है। भाई साहब मैंने सोचा किसी खोपड़ी है, लेकिन फिर गौर से देखा ये जो ऊपर बेलपत्र पे लगे हुए हैं, ये जो बेलपत्र के जो फल हैं ये जब सूख जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जो रखा हुआ है वो है बेलपत्र का फल। होता ना अचानक से किसी चीज पे नजर पड़ती तो आंखें एकदम घूम जाती है। तो चले जरा अंदर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की बात की जाए तो गुड मॉर्निंग पिताश्री। मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन पिताश्री, फाइन। और बताओ क्या हाल है? और क्या हो रहा है बेटा? हाँ, अब ऐसा है कि यहाँ धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। हाँ, और तापमान भी बढ़ने लग गया है। हाँ, आज थोड़ी सी बेटा कह रहा है कि आज फाइनली रिपोर्ट के लिए जाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी चेकअप और करवा लेते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि फिर जो है चला जाए। फिर वो कहे विनीत बेटे का भी फोन आया कि चाचा जी को रोक दो। हाँ हाँ, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। अच्छा विनीत भाई आ रहे हैं? विनीत आ रहा है क्या ना? कब आएंगे? वो कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा दो तीन दिन में। अच्छा, कह रहा है चाचा जी को भी रोक दो थोड़ा सा। अच्छा, मतलब उनका मन भी आपके बिना नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, शायद हो सकता है बेटा लस्सी लुस्सी लाए कुछ। हाँ ये बात सही, क्योंकि विनीत भाई मेरठ में रहता है और उनकी दो बहस भी है, यानी कि वो पूरा जो गांव का जीवन है वही यापन करते हैं। यापन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि चाचा के लिए घी मक्खन और दूध भी लेके आऊंगा। हाय हाय, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ, और फिर तो बेटे विनीत को भी मैं कहूंगा कि जल्दी आ जा मेरे बेटे, या तेरे बगैर मन नहीं लग रहा है वाकई। एक गाना गा दो, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बगैर ये जिंदगी अधूरी है। क्या बात है, क्या बात है। तो विनीत भाई आपके लिए पिताश्री ने गाना गा दिया है, जल्द आ जाओ है। सही है, सही। और बाकी मच्छरों ने कितना काटा आपको? मच्छरों ने तो मत बोलो, बहुत मेहमान नवाजी किया आज मच्छरों ने। ओ भाई साहब, बड़ी बड़े, पता क्या है, दावत पे लगे हुए थे और रात को। अच्छा, बड़े प्यार से काट रहे थे, प्यार से बोल रहे थे कान पे। तो सारे मधुरता से तो बोलते हैं, लेकिन डंक जो है बहुत जोर से मारते हैं। ठीक ठाक कर जाए। बोलते हैं कि जो दुर्जन होता है ना, कि मधुरता से बोलता है लेकिन पीठ पीछे जो छुरी भोंक लेता है, तो ऐसे ही साला ये जो है मच्छर है साले। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, फिर याद भी तो रहेगा आपको कि दिल्ली में आए थे आप। दिल्ली में तो आए थे लेकिन मच्छरों की ज्यादा याद आई। जब जब मच्छरों का जो है ना, ये तो इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े। हाँ सही बात है भाई, ये देखो ये ना। हाँ सही बात है, बहुत बड़े बड़े दाड़े हो गए, तगड़े तगड़े। कसम से यादगार तो यही जा रहे हैं आपके साथ, यादगार यही जा रहे हैं। सालों को थोड़ी भी दया नहीं आई इनमें। ना ना, नहीं आ रही, नहीं आ रही, निर्दय है ये। चलो ठीक है, ठीक। पहले तो अंकल जी जो है बड़ी मुश्किल से ठीक हो रहे हैं, ऊपर से सारे इन्होंने मुझे आज और परेशान कर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बाकी चलिए जी किचन डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी अन्नपूर्णा माता लगी है काम पर। हेलो हेलो, ए बाबा, वैसे तो आज जो ब्लॉग की शुरुआत की इन्होंने ही मेरे साथ की। बाकी अनिता मेले बना रही गर्मा गर्म चाय, हालांकि यहाँ तो पंखा चल रहा है, लेकिन भाई साहब मेरे भैया मानते ही नहीं। ए बाबा, चल बना बना चाय, ठीक है। अरे वाह, आ गए, आ गए अपनी चाय, आ गए अपनी चाय, आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बुल्ली। बाल कम हो गए तेरे? हाँ जी पिताश्री, चाय पियोगे? नहीं चाय नहीं पियूंगा मैं, थोड़े से पानी पियूंगा। क्यों? नहीं, चाय तो रात को मच्छरों ने पिला रखी है। ये भी सही है। मच्छरों ने वो हाल किए ना, मच्छरों का सारा नाम लेने से भी भयभीत हो रहा हूँ। बड़े बड़े वो कर दिए था। राम राम राम। तो देखिए हमारे पिताश्री को तो मच्छरों ने डरा दिया, ठीक ठाक है। क्या बहुत भयंकर मच्छर आया था। है मच्छर नाम दुर्जनम गति, है दुर्जन की गति के मच्छरों की तरह।
कहाँ से लाते हो ये पॉइंट? जो है ना साले प्यार से बोलते हैं और साले डंक मारते हैं दूसरी जगह। अरे चलो कोई बात नहीं, मधुरता से आवाज निकालेगा। हा हा हा, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एजेंसी है ये जो है। ऐसे लोरी सुनाते हैं ना जैसे आनंद आता है, लेकिन साला जब दूसरी जगह डंक मारते हैं मन करता है साला कहाँ मिलेगा ये जो है। चलो कोई नहीं, कोई कंट्रोल करो पिताश्री, गुस्से को कंट्रोल करो। क्या करे बच्चे, नहीं नहीं बस कंट्रोल करना पड़ेगा। कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। पता भी नहीं चला कहाँ गया साला। पता है, शांत रहो, कोने में सुन रहा हूँ अभी। हाँ, राहत को आएगा। सही है साला, कहीं सुनेगा तो फिर आ जाएगा। हाँ, चुप रहो तब। हाँ, इसीलिए शांत रहो। चलो फिर शांति है बेटे का। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुमने जो है एक गिलास पानी पिलाया है ना, और बहुत बड़े यूट्यूबर बड़े हमारी ना? तो भाई साहब लगभग दिन की 12 बजे और हेमंत भाई अभी तक नहीं आया है। दाढ़ी बाल बनवाने गया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया भाई। अब टाइम भी लगी जाता है, बहुत भीड़ होती नाई के पास। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ ट्राउजर सिलवाने, क्योंकि थोड़ा फट रखा है, इसको सिलवा के लाता हूँ जरा। तो अनीता बोल रही मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैंने कहा चल फिर, अंदर है पिताश्री तो जल्दी इसको सिलवा के लाते हैं। तो भाई साहब गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बाकी सामने देखो एक कुत्ता यहाँ पे सो रखा है, ठीक दूसरा वहाँ कार के नीचे सो रखा है, ठीक एक इस कार के नीचे सो रखा है। भाई साहब बड़ी तेज गर्मी हो रही है यहाँ है। ठीक है धन्यवाद। चलो वे फाइनली ट्राउजर ही सिलवा दिया है। अब क्या करें भाई साहब, कपड़े लेके आए नहीं थे घर से, दो चार दिन के लिए आए थे लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। मुझे वैसे भी कपड़े का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन इसके लिए कपड़े लेंगे अभी, इसको बहुत शौक है नहीं। हाँ। तो देखिए जी सच बताऊं तो भाई साहब जो आराम है वो कमरे के अंदर ही आराम है, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। पर हेमंत भाई नहीं आया अभी तक, पता नहीं कहाँ चलेगा भाई। आ जा भाई आ जा, माँ कसम कहाँ था भाई, इतने में तो जॉब अटेंड करके आता भाई। भाई साहब आधा दिन खींच लिया तुमने यार। अरे ज्यादा टाइम लेगा ना मेरे बालों के साथ में। अच्छा ये थोड़ा अच्छे से करता हूँ। अरे वाह सही भाई साहब सही। चलते हैं ना। हाँ हाँ। बाकी भाई साहब अनीता लगी यहाँ सफाई करने पर, इतना सारा कबाड़ा निकल रहा अंदर से, और ये क्या निकल रहा है। अरे वाह मैक्स मिनिमम स्पीड। सही है भाई सही है, मार मार झाड़ू सही है सबाश। तो फाइनली 2 घंटे बाद हेमंत भाई भी आखिरकार कमरे पे आ गए हैं। तो दिन की 1 बज गई है और यहाँ पिताश्री अपने बाल बनाने पे लगे हुए, और बाकी यहाँ भी देखिए भाई साहब दोनों लगे हुए भाई साहब। अरे भयंकर हीरो लग रहा भाई आज, मानसम सारे हीरो फेल है आज तेरे सामने। हाँ तो और हीरो। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो अनीता सबके लिए खाना रख रही है। हेलो अन्नपूर्णा माता। हाँ जय हो। वाह वाह के खाने में आलू और छोले बना रखी इसने मिक्स है, क्या बात है। अलग अलग डिश खिला रहे हमको आजकल। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। और बाकी पिताजी यहाँ पर अपना त्रिशूल बना रहे हैं सर पे हैं। त्रिशूल नहीं लगाऊंगा। हैं आज क्या? पता क्या? त्रिशूल जो है मिट जाता है। हैं? इसलिए भी ऐसे ही लगाता हूँ। आज लंबी लकीर खींच ली। लंबी खींच। चलो थे लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ये भी सही है, सही बात है। बाकी चले जी भाई साहब को भी खाना दे दे। अरे भाई साहब पहले खाना खाइए, क्या ड्रीम इलेवन देख रहे हो, करोड़पति तूने बन गए रात को अचानक से। हाँ विनीत भाई को वीडियो कॉल करो भाई, उनके लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत धैर्य दिया जा रहा है उनको कमेंट में कि सेकंड अटेम्प्ट में इस बार विनीत भाई निकल जाएंगे। मुखड़ी पे चमक गायब हो रही भाई। सामने देखिए वीडियो कॉल में विनीत भाई और यहाँ पिताश्री से बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा खाना खा लिया? और बहुत सुंदर है, कब आ रहे हो? अच्छा बाकी चल लीजिए अब गर्मा गर्म खाने का आनंद देते हैं। तो बाकी दिन की 2 बज गए और सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी हेमंत भाई और पिताजी जा रहे हैं हॉस्पिटल, यानी कि पिताजी का आज फिर से फाइनल चेकअप होना है। बाकी अब ओला कैब आने वाली है, तो भाई साहब और पिताश्री जाएंगे ओला कैब पे। ठीक है पिताश्री। ठीक है बेटा, मेरे को भरोसा है अब तो रिपोर्ट बढ़िया आएगी। ठीक है अब देखो। नहीं ठीक आएगी ठीक आएगी। बाकी मैं थोड़ा नहा लेता हूँ, और बाकी अनीता कमरे की सफाई कर रही है, तो ये आ जाएंगे आधे घंटे में। और वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी हो रही है कि कमरे से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, या तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे जाने का मन नहीं कर रहा भाई। ठीक है पिताश्री। ठीक है बेटा। बाकी देखिए जी पिताजी और हेमंत भाई तो अभी चले गए हॉस्पिटल, बाकी कमरे पे मैं और अनीता है। देखिए इतने बड़े बड़े कमरे है कि यहाँ बहुत ज्यादा उदास लग रही है। तो अनीता ने जो खाने में थोड़ी देर पहले मिर्च खाई थी उससे इसको अब जाके मिर्च लग रही तगड़ी वाली है, और देखो रोने लग गए। ठीक है पी पानी भी आराम से, और बाकी मैं थोड़ा नहाने की तैयारी करता हूँ। और यहाँ तो भाई साहब आजकल पंखे अपने लग रहे हैं। तो दिन के लगभग 2:45 बज गए और मैं भी भाई साहब नहा गया हूँ ठंडे पानी से, और यहाँ जितने ठंडे पानी से नहा रहे उतनी ज्यादा गर्मी हो रही है भाई। मामा और भैया अभी नहीं आए हैं। भैया सो रखे हैं यहाँ पे। भैया सोने देते हैं भैया को। ओ भाई साहब शाम की 6:15 बज गई है और भाई इतनी भयंकर नींद पड़ी की अब जाके आंखें खुल रही है। पिताश्री खुल गई नींद?
मैं तो सोया नहीं था बेटा, खड़े ही हो गए तो है नींद नहीं आई। क्यों? बैठा तो भाई पता ही नहीं चला आज पिताजी लोग हॉस्पिटल से कब आए, बैंक का नींद पड़ी भाई आज अति नींद पड़ गई। एक्चुअली हो क्या रहा है कि रात को मच्छर खा रहे खतरनाक ढंग से, तो रात को नींद खत्म और फिर दिन में आ रही थोड़ा नींद। यहाँ की बात करें तो भाई साहब हेलो, ओहो यहाँ पर अनीता भी बर्तन मैं धुलूं? मैं धुलता हूँ, अरे मैं धुलता हूँ दे इधर। अरे ये लग गए यहाँ बर्तन धुलने पे, तू भी सो रही थी ना? झूठ बोल रही, इसको बैंक नींद आ रही थी। सही में खाली मैं ही सोया? ओहो बाकी चाय लीजिए, अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बाकी पिताजी नहीं पियेंगे चाय, पिताजी लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। हैं पिताजी? नहीं पी सकते नहीं, अब से पिताजी का चाय बैन हो गया। तो भाई रात की 7:15 बज गई है और हेमंत भाई की तैयारी हो गई है अपने ड्यूटी जाने की, क्योंकि आज भाई के है नाइट ड्यूटी है। अच्छा जैसे नींद आती है कभी रात को तो क्या करते हो तुम? सोने की कोशिश करते हैं। को MRI मशीन की वो बेड के ऊपर? नहीं अलग रूम होता है। अच्छा ये बात सही है ना, पर तुम्हारे यहाँ एक वो है, तुम्हारे इसमें एक था, वो बोल रहा था कि जब नींद आ जाए तो मैं MRI मशीन के ऊपर सो जाता हूँ भाई। वो खतरनाक है भाई, वो भाई सो जाता है। हाँ कि मैं सो जाता हूँ, कभी CT स्कैन के ऊपर सोता है, कभी MRI के ऊपर सोता है। मैंने कहा भाई से रेडिएशन, फिर बोलता बंद करी करी हुई रहती भाई ये। मैंने कहा पता नहीं चलेगा ये हमराज कब आ रहा है। और बाकी अपने पिताश्री तो अपने कुर्ता, हाँ जी कहाँ जाने की तैयारी है? भाई साहब तो ड्यूटी जा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो अभी? घूमने अब रात को? अरे मच्छर भगाएंगे आपको वहाँ से, अंधेरे रहो। मॉर्निंग वॉक जरूरी है। मॉर्निंग वॉक कुछ भी बोलते हो अब यार। अरे यार मॉर्निंग वॉक है पिताश्री, रात के 8 बजे मॉर्निंग वॉक जरूर है, ठीक है? ठीक है ठीक है, जा मॉर्निंग वॉक जा। ये बात तुम गांव में बोले होते तो अभी तो शेर बोलता आ जा बेटा, आ जा तू, आ जा मॉर्निंग वॉक पे। तो चलो हेमंत भाई चल पड़े, ठीक है भाई मिलते हैं सुबह। तो हेमंत भाई तो अपनी नाइट शिफ्टिंग पे चले गए हैं हॉस्पिटल, तो भाई साहब जॉब करना भी बहुत जरूरी है, न जाने कितने पेशेंट आते हैं, अगर ये लोग छुट्टी मारेंगे तो उन बेचारों का कितना बुरा हो जाएगा। इसलिए भाई साहब अपनी पूरी ईमानदारी से जॉब करते हैं, कभी कभी नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो नाइट भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। और बाकी अनीता तो लग गए भाई साहब यहाँ आइसक्रीम खाने पे, हैं सही है सही है सही है, मजा आ रहा नहीं? घर में नहीं मिलती ऐसी नहीं? चल सर खा खा आराम से, तबियत का ख्याल भी रख, ठीक है? पता चल रही तू भी बीमार पड़ रहा था और लेने के देने पड़ रहे मेरे को। बाकी अनीता अब रात के खाने की तैयारी करने लग गई है और आज के खाने में बना रही है आलू और गोभी की सब्जी। तो देखिए जी जिस बीमारी के लिए तो हम आए थे, लेकिन वो बीमारी तो भगवान की दया से हुई नहीं। कुल मिला के बात है कि और बीमार तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिताजी को लग गया है मीठा जहर यानी कि शुगर, अब पिताजी को परहेज रखना है, ठीक है भाई? मजा आएगी इस मामले में, ये आपको खुद परहेज रखना है और थोड़ा जो खान पान उसको कंट्रोल करो, बाहर का मत खाओ, मसाले मसाले मत खाओ। आपको देख के मुझे डर लगने लगा, मैं भी खान पान में कंट्रोल करता हूँ। कोलेस्ट्रॉल है भाई, बहुत गंदी बीमारी है भाई साहब, कोलेस्ट्रॉल हो गए और शुगर तो सबसे गंदी बीमारी। मैंने 2-3 देख लिया अपनी लाइफ में जो शुगर से पहले ऐसे मोटे थे, लेकिन शुगर से ऐसे हो रखे आज। बहुत मीठा जहर बोलते शुगर को और ये बीमारी धीरे धीरे खोखला करते रहती है, ठीक है? और पिताजी के जब KFT एलेक्ट कराए तो उसमें शुगर निकला, अभी हालांकि स्टेज फर्स्ट ही है अभी, यानी कि अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये सब पिताजी के हाथ में कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करोगे? योगा करूंगा। योगा कैसे करोगे? और सुबह चलूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा, योगा करूंगा। अच्छा पानी खूब पीऊंगा, ठीक है? पसीना बहाऊंगा, जब घर में जाऊंगा तो खेतों में काम करूंगा, फिर देखो फिर शुगर सारा साफ गायब हो जाएगा। हाल फिर सबसे बड़ी बात है जो मच्छर पिताजी का खून पी रहे रात को, तुम सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, तुम शुगर वाला खून पी रहे हो। मच्छरों को भी मैं कह दिया दादा, उन मच्छरों को तो पक्का शुगर पक्का भाई, तुम ढंग से रहो मच्छरों पहले बता रहे हो ना। मैं सोच रहा हूँ पोस्टर लगाते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर है, कृपया इनका खून न पिए। वो नहीं मानते इस चीज को, वो नहीं मानते नहीं, हाँ मरेंगे तड़प तड़प के, वो मरेंगे। बाकी भाई हेमंत भाई तो ड्यूटी चले गए, जिया जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो भाई साहब कमरा बहुत खाली खाली लग रहा है। विनीत भाई भी कल निकल गए थे, तब से तो ऐसा लग रहा मन की नहीं, पर आ रहे विनीत भाई, आ रहे हैं 1-2 दिन में आ रहे हैं विनीत भाई, आ रहे हैं फिर से कॉमेडी जमेगी जरा एक बार। बिल्कुल।